नमस्कार, मैं रविंशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस शो रंगमंच में, जो कि कथा वस्तु पात्र रस अभिनय जैसे अनेक तत्वों से मिलकर बना है। नाटक, जिसे हम हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में तमाशा, नौटंकी और रामलीला जैसे नामों से जानते हैं। रंगमंच, जिसमें हम मनोरंजन के माध्यम से संदेश को आम आदमी तक पहुँचाते हैं। नाटक का इतिहास बहुत पुराना है और पहले के समय में इसको काफ़ी तवज्जो दी जाती थी, लेकिन आज के समय में इसकी महत्वता कम होती जा रही है। आज के समय में आखिर क्या है ये नाटक? क्या ये कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का माध्यम है, या फिर कुछ लोगों के लिए व्यवसाय, या फिर एक अभिनेता के लिए रोजी रोटी का माध्यम? इन जैसे तमाम विषय पे हमसे बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं चित्रा मोहन जी, जो कि अभिनेत्री, रंगमंडल प्रमुख और प्रोफेसर हैं भारतेंदु नाटक अकेडमी में। चंद्र मोहन जी, जो कि निर्देशक हैं, अभिनेता हैं संगीत नाटक अकेडमी में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। चित्रा मोहन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, नाटक का अस्तित्व या कहें इसकी परंपरा, ये कितनी पुरानी है? रॉबिन्सन, ये अगर आप पूछते हैं तो इसका सवाल भी बहुत ही पुराना है। मेरा मानना है कि जब से इंसान पृथ्वी पर आया, आदिम युग से, जब इंसान के अंदर संप्रेषण करने की कला और अनुकृति यानी नकल करने की बात आई, तब से पृथ्वी पर ये नाट्य कला या नाट्य कला के जो एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान का विकास होने लगा, सभ्यताओं का विकास होने लगा, ये चीज़ें और धीरे धीरे मुखर होती गई, प्रखर होती गई और प्रचलित होती चली गई। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो हमारे यहाँ ये माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, मैं भारतवर्ष की बात करूँगी, बाद में ग्रीक पर भी जाऊँगी, यूनान पे भी, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि चार वेदों की जब स्थापना हुई तो तब भी बहुत कैओस था, लोगों में बड़ी त्राही त्राही थी, क्योंकि शूद्र कहते थे या स्त्रियाँ कहती थी कि वो उन्हें शामिल नहीं हो सकते। तो फिर ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करके पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र की परिकल्पना हुई, नाट्य शास्त्र आया। तो ये समझ लीजिए कि कई लाख वर्षों पुराना हमारा नाट्य का इतिहास है, जो धीरे धीरे अपने स्वरूप बदलता हुआ आज तक हमारे सामने है, चाहे वो रंगमंच की बात हो या नाट्य कला के तमाम पक्षों, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार की बात हो, ये तब से तो हमारे भारतवर्ष में बहुत पुरानी परंपरा, लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है। और अगर वेस्ट में माने तो भी वहाँ पर ग्रीक से मानी जाती है, तो एक लंबा इतिहास है नाटकों का। चंद्रमोहन जी, नाटक का महत्व आज के समय में क्या रह गया है? इस 21वीं सदी में लोगों के अंदर क्या समय की कमी है, या ये बॉलीवुड का जो उठता हुआ चलन बढ़ रहा है, या ये है? नहीं, महत्व तो कम नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि आदमी की थोड़ी समय के साथ सोच बदल जाती है। बॉलीवुड तो पहले भी था और आज भी है, आज फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, तब कम बनती थी। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थिएटर में लोगों को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो जो थिएटर आर्टिस्ट हैं वो धीरे 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 बॉलीवुड की तरफ जाने लगे, फिल्मों की तरफ भागने लगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग वहाँ फिल्मों में काम करने के बाद भी फिर रंगमंच में लौट आए और रंगमंच को पुनर्जीवित दे रहे हैं। आज की जनरेशन के अंदर एक थोड़ी सी क्या है, हमारे समय में गुरु शिष्य परंपरा होती थी, उस परंपरा के तहत बच्चे जो भी आते थे, जो भी स्टूडेंट होते थे, वो सीखने की एक ललक होती थी, दो चार पाँच साल, दस साल सीखते थे और एक पूरी परंपरा के अनुसार आगे बढ़ते थे। जैसे कथक है या और भी जो म्यूज़िक की विधाएँ हैं उनमें सीखते हैं। नाटक में थोड़ा सा ये हो गया है कि वो दो तीन दिन में ही चाहता है कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ और सब कुछ कर जाऊँ, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि थिएटर हो या फिल्म हो या कोई भी चीज़ हो, ये मगज से होती, मतलब यहाँ से होने का मतलब ये, भागते हुए युग में हर बच्चा चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी एक्टिंग हर चीज़ मिल जाए, एक्टिंग ही नहीं, हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना, हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन हो गया है इस तरह का, और ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ गई हैं। लेकिन थिएटर आज भी जिंदा है, और अब क्या हो रहा है कि जो फिल्मों में लोग पहुँच गए वहाँ से लौट के थिएटर कर रहे हैं और पुनर्जीवन दे रहे हैं थिएटर को। गिरीश कर्नाड, नादिरा बाबर और रणजीत कपूर जैसे महान हस्ती है, जिस तरीके के नाटक ये पहले करते थे, क्या आज के समय में भी इस तरीके के नाटकों का चलन देखा जा रहा है हमारे समाज में? रॉबिन्सन, आपके इस सवाल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ। जिस तरह के नाटक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मैं कहूँगी, जिनका भी आपने नाम लिया, चाहे गिरीश कर्नाड जी हों, चाहे नादिरा बब्बर जी हों, या और तमाम नसीरुद्दीन शाह हों,
मैं ये बात आपको बताना चाहूँगी कि ये वो लोग हैं जो सतत रंगमंच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने एक बात बीच में रोक करके और कहूँगी कि जिनका आप नाम ले रहे हैं ये उस विधा से जुड़े हुए हैं जिन्होंने वाकई पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, तो इन्होंने अपने दौर में उन चीज़ों को पढ़ा, एक नया नज़रिया दिया। आज़ादी के बाद के नाटकों को अगर आप देखें तो उनका पूरा कलेवर बदल गया है, उन्होंने उस पर एक नया मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देते हुए एक नई खोज के साथ चीज़ों को इंटरप्रेट किया हमारी माइथोलॉजी के, जैसे गिरीश कर्नाड जी का चाहे नागमंडल ले लीजिए, चाहे तुगलक ले लीजिए, कोई भी नाटक ले लीजिए, है तो वो पौराणिक कथानक, प्राचीन कथानक है, लेकिन उसमें जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टिबोध है, वो नया डाल दिया है, उसको कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस से जोड़ते हुए चीज़ों को डाल दिया, और उन्होंने उन अपने समाज की चीज़ों को समझा, परखा और उसको नाट्य फॉर्म में लिखा, खुद एक्टिंग भी की। तो ये वो दौर के लोग हैं जिन्होंने लगातार एक दिशा देने की कोशिश की, तो आज हमारे सामने ये एक माइलस्टोन की तरह खड़े हो गए हैं, उसी दिशा को फॉलो कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया। मैं ये भी कहूँगी कि आज ऐसी बात नहीं है, आज का यूथ जो है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है, जैसे भी सौरभ शुक्ला जी हैं या तमाम और लोग हैं जो आज की समस्याओं को लेकर के एक नए विजन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक। तो बात वही आती है कि जहां सोच है, जहां गंभीर अध्ययन है, वहां से बार बार एक नई धारा प्रवाहित हो रही है, लोग उसी को फॉलो और उसको फॉलो करते जा रहे हैं लोग। अभी बात जो चंद्रमोहन जी से आप पूछ रहे थे कि आज के यूथ की बात आप कर रहे हैं, तो एक अंतर तो मैंने ये देखा है कि जैसे हम इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं ना, खटाखट बना लिया, कोई भी विधा इस तरह से नहीं चल पाती है, जिनका भी नाम लिया है या जो भी, अगर आप उसमें घुसेंगे, सघन अध्ययन करेंगे, चीज़ों में समय देंगे, तो आप भी किसी न कहीं नई धारा के प्रवर्तक बन ही जाएंगे। तो आज का यूथ कर भी रहा है, लेकिन जल्दीबाजी से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, उसमें रुकना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है, उसमें सतत प्रयास करना पड़ता है, तभी मोती निकलता है जब समुद्र में घुसिएगा। तो ये बातें हैं। प्रोफेशन की अगर बात करें कि हर आदमी आजकल पैसा कमाना चाहता है, नाटक करने की भी चाह सभी में होती है, लेकिन ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आज का जो यूथ है वो इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता है? अगर करेगा भी तो उसे पार्ट टाइम की तरह एक्टिंग करेगा थिएटर में? नहीं, देखिए, एक्चुअली पैसा तो कभी नहीं था, लेकिन पैसा था भी तो मराठी थिएटर में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, हिंदी बेल्ट की ये प्रॉब्लम शुरू से रही है, और अगर थोड़ा बहुत पैसा लगाया भी तो ठीक है, वो रिटर्न हुआ, लेकिन एक जैसे नौकरी होती है वो थिएटर की शायद हिंदी बेल्ट में नहीं हो पा रही, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इसके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो ना तो नाटक लिखने वाले ये सोचते हैं हम नाटक क्या लिखें, फिल्में लिखें क्योंकि हिंदी में बन रही हैं, एक्टर जो पैदा हो रहा है वो सोचता है कि मेरी तो मातृभाषा है और वही फिल्म बन रही है तो क्यों ना मैं फिल्मों में जाऊं। थिएटर को प्रॉब्लम ये भी आ रही है। टिकट्स का जहां तक सवाल है, प्रोफेशन इसलिए भी नहीं बन पा रहा है कि हर आदमी हिंदी का वाला भागने की सोचता है। रीजनल थिएटर या रीजनल फिल्मों में ये होता है कि वहाँ रीजनल थिएटर से वो डेवलप करके रीजनल फिल्मों में जाता है, रीजनल फिल्मों से फिर वो हिंदी फिल्मों में आएगा, तो बहुत लंबा सफर उसे तय करना होता है। जैसे वैक्सीनेशन बढ़ गया आज के समय में, तो क्या लोग इंग्लिश की तरफ भी जा रहे हैं, इंग्लिश फिल्म्स में काम? नहीं, इंग्लिश हिंदी का तो आजकल कोई सवाल ही नहीं रह गया, हमने भी चार शब्द इंग्लिश के बोल दिए होंगे बीच में और हिंदी बोल दिया होगा, वो तो आजकल स्लैंग लैंग्वेज का एक फैशन चल गया है। थिएटर जो है खास तौर से मतलब हिंदी बेल्ट में कॉमर्शलाइज नहीं हो पा रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है ताकि उसमें नौकरियां डेवलप हो सकें। रंगमंडल वगैरह खुले हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी ने रंगमंडल खोला है, DCM मिल वालों ने श्रीराम खोला है, तो इस तरह NSD ने रंगमंडल खोला है, वो तो नौकरियां देते हैं। अच्छा, दूसरे क्या है कि नाटक का भी जो स्तर होना चाहिए, अभी एक बात हम लोग कर रहे थे कि रिपोर्टवा बुलाती है, अभी एक बहुत बड़ा नाट्य फेस्टिवल होता है तो उसमें तो 200-400 के भी टिकट बिक जाते हैं, और हम चाहते हैं कि 50 रुपये का कोई टिकट ले ले तो नहीं लेते हैं। उसकी वजह सीधी सी है कि ज़रा क्वालिटी पे भी हमें नज़र रखनी होगी।
क्वालिटी कंट्रोल जिस चीज में खराब होगा वही चीज बेकार हो जाएगी, ना हो क्वालिटी भी हो। बहुत अच्छी बात कही चंद्रमोहन जी ने, ये मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जो क्वालिटी की बात उन्होंने कही कि क्वालिटी क्यों आएगी, वही बात है कि आप जब गुणवत्ता देंगे तो दर्शक भी पैसा देना चाहेगा। संस्थाएं आजकल ये बहुत सारी बढ़ गई है, नाटक की संस्थाएं, तो स्टेट और सेंट्रल रेंज में किस तरीके से सरकार मदद कर रही है आजकल? सरकार की मदद की बात में जहाँ तक है तो आप ये जैसे मुहावरा कहूंगी कि ऊँट के मुँह में जीरा की बात है, ठीक। सरकार मदद करने के लिए अपने कोष खोलती है लेकिन उनके कोष प्रॉपरली उन तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल साफ साफ कहूंगी, पहुंचते वहां तक है जहां गुणवत्ता नहीं है, और जहां गुणवत्ता है वहां उनको अर्थवत्ता नहीं मिल पाती है, उन्हें सहायता नहीं मिल पाती है। इसके लिए फिर एक अलग जांच आयोग बैठाया जाए, ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन सरकार की मदद है लेकिन वो बहुत कम है। तो जो बात अभी आ रही थी, मुझको ये भी लगता है कि रंगमंच को अगर व्यवसायीकरण मिल जाए, छोटे मोटे रंगमंडल बना के काम करने से तो नहीं चलता, लेकिन अगर जहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसे ऐप जैसे तमाम युवा हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उन्हें थोड़ी सी भी वित्तीय सहायता मिलती है तो वो जुट करके काम करते हैं और रंगमंच पे समय देते हैं, और इस शौकिया रंगमंच ने ही व्यावसायिक रंगमंच को बनाए रखा है। हम लोगों ने जब शुरू किया था काम तब इतना भी विजन नहीं था, अब तमाम मीडिया आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, तो एक सकारात्मकता की ओर तो जा रहा है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए थिएटर, मतलब उनका जो करिकुलम का पार्ट है स्कूल्स में कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपके साइंस है, मैथमेटिक्स है, उस तरीके से थिएटर भी उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक सकारात्मक चीजें सामने, आप किताब ई बुक निकल रही है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, अगर थिएटर को आप कॉलेज में लेवल पर या एट्थ क्लास के लेवल तक ही अगर ले आएंगे तो जो सोच है वो एकदम बदलेगी। आदमी भाई, हर कोई तो जाकर के फिल्म एक्टर नहीं बन जाएगा, क्यों एस्केपिज्म है, सब बम्बई भाग रहे हैं या ऐसी जगहों में भाग रहे हैं जहाँ फिल्म मेकिंग हो रही है, सीरियल मेकिंग हो रही है, वो रुकेगा। हर आदमी को खाना चाहिए, ठीक है। अभी आपसे बात हो रही थी कि प्रोफेशनल नहीं हो पा रहे हैं हम लोग, मतलब आदमी करना चाहता है लेकिन भाग जाता है ना। तो सबसे पहले तो हमें स्कूल लेवल में लाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर उसी तरह की विधा के टीचर आएंगे, स्टेज क्राफ्ट टीचर आएंगे, और तरह तरह के टीचर वहाँ, तरह तरह की नाटक की जो विधाएं हैं उसके लोग जुड़ेंगे उससे, और उनको एक प्रोफेशन मिलेगा, तो वो उसको फिर जैसे पहले इंजन डिब्बों को खींचता है, फिर डिब्बे इंजन को दौड़ाते हैं, तो ये वाइस वर्सा काम है। अच्छी बात है, और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि जो थिएटर इन एजुकेशन की बात हो रही है ये चालू हो चुकी है। अच्छा। और अब सरकार ने भी सीबीएसई बोर्ड ने उसको बोर्ड में ये आ गया है, ये बड़ी अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है। तो होता क्या, जैसे हम लोग डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की या मास मीडिया की, कम्युनिकेशन की तमाम पढ़ाई करते हैं, थिएटर भी अब एजुकेशन में आ गया है। तो जब बच्चा 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं से थिएटर को पढ़ेगा एक कोर्स की तरह, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोफेशन के लिए भी उसे अपनाएगा, क्योंकि उसके रास्ते खुल रहे हैं। और इसकी भी अच्छी पहल हो चुकी है कि तमाम हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन से लड़के निकल रहे हैं, लड़कियां निकल रही हैं, तो उन्होंने तमाम स्कूलों में जाकर के एज अ टीचर उनका प्लेसमेंट हुआ है, और आज वो बहुत अच्छी सैलरी, कम से कम 32,000-35,000 से मेरे तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने जाके स्कूल में जाकर के एज अ टीचर, रंगमंच के टीचर के तौर पर काम किया है, तो प्रोफेशन भी उन्हें मिल रहा है। तो आने वाला समय तो मुझे लगता है कि काफ़ी ब्राइट है, उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, और रंगमंच इसीलिए कभी ना मरा था ना मरेगा, लेकिन हाँ इन चीज़ों पे बड़े प्रयास हुए हैं, बट अब स्कोप खुल गए हैं, रास्ते खुले हैं। बचपन से ही कि बच्चे को चीज़ कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो वो चिंगारी आग बन सकती, बिल्कुल बन चुकी है। अब 11वीं का बच्चा बाकायदा 1.5 घंटे की क्लास जाके रंगमंच की करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसमें हमारे लिए स्कोप है, हम इसमें कमा सकते हैं, फिर एक आत्म रुझान डेवलप होता है। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे करप्शन खत्म हो जाएंगे अगर थिएटर डेवलप हो जाता है, जो आज समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं, अनटच्ड फीलिंग है या उस तरह की सोच है, वो सकारात्मक हो जाएगी। क्योंकि थिएटर इज ए मिरर, साहित्य क्या है, एक दर्पण है, मिरर भी, और एक तरह का टीम वर्क भी है। एक छोटा सा काम करने के लिए आपको 8-10 लोगों की टीम, और जब जहाँ टीम वर्क होता है एक सोच के साथ होता है, वरना टीम बिखर जाएगी। तो जब एक सोच के साथ आप किसी भी चीज़ को करते हैं, कोई भी मुद्दा उठाते हैं, तो आप उसके लिए फाइट करते हैं, तो धीरे धीरे यहीं से प्रयास शुरू होता है और सकारात्मक सोच समाज में जाती है। तो रंगमंच इसके लिए भी बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है।
तो ये तो बहुत अच्छा प्रयास है। इसलिए रंगमंच देखिए, चाहे नुक्कड़ नाटक के जरिए कर लीजिए या आज राजनीतिक मंच भी रंगमंच को माध्यम बनाते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, तो रंगमंच तो सदा से सबके लिए एक माइक्रोफोन का काम करता रहा है। एक चीज़ और कि आज के समय में जैसे देखा जा रहा है कि हर जगह मॉल्स खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं, मूवीज थिएटर खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भी नाटक के ही ऑडिटोरियम्स वगैरह खुल रहे हैं, तो लोग एक तरफ 100 से 500 रुपए खर्च कर देते हैं एक मूवी का टिकट ले के खरीदने देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो कि नाटक का टिकट इससे काफी कम कीमत का होता है, वो लोग क्यों नहीं जाके खरीदते? वही बात वो जो अभी पहले हमने जो बात कही थी उसी को मैं और थोड़ा सा विस्तार दे देती हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि जहाँ पर टिकट की बात आती है, एक कॉमन मैन, ये विडंबना मैं कहूँगी, विडंबना है, एक कॉमन मैन अगर अभी जैसे आप ही एक नाटक कीजिए और 50 रुपये का टिकट लगा दीजिए, तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई पास हो तो दे दो, ज़्यादा अच्छा है, आपके दोस्त यार चलिए आपके लिए ख़रीद लेंगे। लेकिन जब किसी तरह का ऐसा नाटक आता है, ऐसा रंगमंच आता है जिसमें चर्चित चेहरे जुड़े होते हैं, चाहे वो फिल्म के हों या सेलिब्रिटीज़ के हों, तो वहाँ पर आप समझिए बिल्कुल गदर मच जाती है, लोग टूट पड़ते हैं, 400-500 के टिकट भी खिड़की पर मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो दो बातें हैं, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ चर्चित चेहरे या जो सेलिब्रिटीज़ जुड़ जाते हैं उनको देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़ते हैं, इसका एक पॉजिटिव आस्पेक्ट भी है, नेगेटिव आस्पेक्ट भी है। जो मैंने अभी देखा, वो जेंट्री, वो लोग जो कभी रंगमंच में नहीं दिखते थे, एक एलीट क्लास या एक आईएएस वर्ग जो ये प्राउड फील करता है कॉलर अप करके कि मैं रंगमंच देखने गया था, आज मैं नाटक देखने गया था, मैंने आज नाटक देखा, फलाना सेलिब्रिटीज आए थे, व्हाटएवर, तो इस तरह की चीज भी है। लेकिन जहां एक्चुअल रंगमंच हो रहा है, जहां आप खून पसीना बहा के अपनी कोई बात कहते हैं, वहां 50 रुपये या 25 रुपये का टिकट देकर भी लोग नहीं आते। तो हमारा काम सबसे पहले, हम पीछे तो नहीं हट सकते, हमारा काम है कि की मानसिकता को बदलें और ऐसी गुणवत्ता का नाटक दिखाएं कि दो शो में अगर नहीं आएगा लेकिन तीसरा शो माउथ पब्लिसिटी में, भाई क्या गजब का काम किया, नसीर के प्ले से ज्यादा अच्छा, और मैं उसका गवाह हूं। संक्रमण मेरा नाटक कामतानाथ जी का लिखा हुआ था, नसीर ने भी किया, और बाद में जब वो हुआ चंद्रमोहन जी ने उसमें बहुत लीड रोल किया था, और भरे मंच पर नसीर के सामने ये बात कही गई कि चित्रा जी का नाटक सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि मैंने उसको इस तरह विजुलाइज किया था कि लोगों के दिल को छूता, और हम 40 से ज़्यादा शो कर चुके हैं। तो बात ये होती कि आप उसको किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो शो में लोग नहीं आए लेकिन बाकी के 38 शो में भीड़ उमड़ पड़ी, तो गुणवत्ता देंगे, विजन देंगे, तो आप भी उन्हीं चर्चित चेहरों में शामिल दर्शक आते हैं और आते हैं और बिल्कुल टूट के आते हैं, तो दोनों चीजें, हमें अपने से सच होना पड़ेगा, हम क्या परोस रहे हैं ये देखना, एक तरीके की विडंबना भी है कि आज के समय में जो और मार्केटिंग बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन जंगल में मोर नाचा पता ही नहीं चलता है, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज किया, चीजें वहां तक पहुंचाई, तो दर्शक आते हैं। एक जो सफर देखा जाता है कि थिएटर से लेके बॉलीवुड तक एक जो सफर है, जैसे हमारे नसीरुद्दीन शाह हो गए, पृथ्वीराज कपूर हो गए, शबाना आजमी जी, इन सब ने अपने करियर की जो शुरुआत थी थिएटर से की और फिर उसके बाद वो बॉलीवुड में गए, लेकिन ये आज का जो यूथ है ये डायरेक्ट बॉलीवुड में एंटर करना चाहता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता मुझे, वो बात अलग है, किसी का जुगाड़ सेट हो गया तो वो कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन ये मान के चलिए कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टर तैयार कर रहा है और थिएटर एक्टर तैयार कर रहा है, थिएटर से लोग जा रहे हैं और में भी खुली है, और जो इंस्टीट्यूट खुले हैं जो वाकई में स्टूडेंट पे मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है, देखिए एक क्या होता है कि आप उठे और चल दिए और किस्मत लह गई आपकी, एक ये होता है आप टेक्निकली रिच होके जा रहे हैं, क्योंकि ये भी पूरी टेक्निकल विधा है। स्टैनिस्लावस्की जो एक बहुत बड़े थिएटर के आका हुए, उन्होंने इसको मेथड सिस्टम दे दिया पूरा, ये पूरा मेथड है साइंस की तरह। पुराने एक्टरों को आप देखिए, मुकरी साहब होते थे या और भी इस तरह के दिलीप साहब रहे, इन्होंने कहीं से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया, लेकिन वो क्रिएटिव रहे। मतलब ये ऐसे जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई डिग्री होना चाहिए, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है। हां, गॉड गिफ्टेड तो सब कुछ है, लेकिन आज के समय में बहुत टेक्निकल हो गया है। एक चीज मैं चंद्रमोहन जी की बात का विस्तार करूंगी,
पहले के ज़माने में जैसे आपने दिलीप साहब का नाम लिया या राजेंद्र कपूर का नाम लिया, पृथ्वीराज कपूर जी का नाम लिया, इन्होंने अपने किसी इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं सीखा, लेकिन इन्होंने जीवन के अनुभवों से और जिन गुरुओं से सीखा वो खुद अपने आप में एक बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक, उससे उन्होंने सीखा और धीरे 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 अपने को मांझते गए कि आज हमारे सामने मिसाल है। लेकिन आज का दौर जहाँ है वहाँ पर जो बात चंद्रमोहन जी कह रहे थे, वहाँ पर प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। सुर तो है, चीज़ें तो हैं, लेकिन उसको मैं कैसे तराश करके सामने ले जाऊं, उसके लिए प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। तो आज इसीलिए देखिए कि अगर आप बाहर जाइए, फिल्मों में जाइए, सीरियल्स में जाइए, वो सीधे पूछते हैं आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, आपका ये MAT कॉलेज है, लगातार प्रशिक्षित कर रहा है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति जब बाहर काम जाके करता है तो उसका जो तराशा हुआ भाग है या उसकी जो सोच है, उसका जो विजन है, उसके काम करने का तरीका है, जो मेथड है, वो खुल करके सामने आता है, क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज हो चुका होता है। और दूसरे एक बात और है कि आजकल कोई सिखाने के लिए इतना परेशान नहीं है। आप जाएंगे कहीं भी फिल्म करने या वो करने, वो आपको बुलाएंगे, आपका ऑडिशन लेंगे, सीखने की चाह है, करने की कुछ है, तभी कोई नहीं, मतलब आपका वो इंटरव्यू लेंगे। पहले के गुरु जो थे रात दिन एक करके सिखाते थे, आज ना गुरु इतने समर्पित है और ना चेला इतना समर्पित। सबसे बड़ी बात टाइम नहीं है और प्रोफेशन भी बहुत, हर चीज तुरंत पाने की जो इच्छा डेवलप हो गई है। तो आप कहीं से ट्रेनिंग लेकर सीख के जाते हैं, वो आपको एज ए डॉक्टर ट्रीट करते हैं कि हाँ भाई नब्ज़ देखी, हाँ ठीक है बुखार नहीं है, और नहीं तो फिर कहीं अच्छा लाइन में आइए। बड़ा प्रोफेशनल फिल्मों के स्तर पे, सीरियल के स्तर पे बहुत प्रोफेशनल हो गया है, थिएटर नहीं प्रोफेशनल हो पाया। वही बात है कि आपका टैलेंट, हमारा जो हिंदी बेल्ट का है, दोनों चीज़ प्रोफेशनल है, महाराष्ट्र में है, कलकत्ता में है, बस यही हिंदी बेल्ट की है प्रॉब्लम। ये जो अलग अलग तरीके के थिएटर्स होते हैं, जो टाइप्स ऑफ थिएटर्स बोलते हैं, इसको आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ रविंद्र, मैं तुम्हारी बात समझ गई। अलग अलग थिएटर की बात नहीं, मैं आप मेथड की बात जानना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ कई तरह की विधाएँ हैं, और जब मैं बात करूँगी तो मैं वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर बात करूँगी। जब से स्तानिस्लावस्की की बात आई, जब ये जिक्र आया था हम लोग की बातों में, उन्होंने एक मेथड एक्टिंग की बात की, रियलिज्म को लेकर के, कि नेचुरलिज्म और रियलिज्म की बात की, कि उस तरह का अभिनय किया जाना चाहिए और उसका पूरा एक प्रोसेस है। ब्रेख्त आए, ब्रेख्त का नाम बहुत, जर्मनी के बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी काम किया है, उनकी अपनी शैली, तो उन्होंने एपिक थिएटर पर और एलिनिएशन पर बात की, क्योंकि उनका ये दौर था। स्तानिस्लावस्की और ब्रेख्त में बेसिक अंतर मैं आपको छोटा सा बता दूं कि स्तानिस्लावस्की जहां ये बात कहते हैं कि किसी भी चरित्र को करने के लिए हमें बिल्कुल उसके गहन उसमें उतर जाना चाहिए, गहराइयों में उतर जाना चाहिए, समाधि के स्तर की बात, जैसा भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में आंगिक वाचिक और सात्विक की बात की है, ब्रेख्त कहते हैं कि नहीं, हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं तो अभिनेता उस चीज़ को प्रकट तो करे, लेकिन फिर उसको दर्शकों के सामने तोड़ दे और बताए कि मैं अभिनेता फलां आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, ताकि जो दर्शक है वो मूल समस्याओं से, मूल मुद्दे से जुड़ा रहे, ना कि उसकी भावनाओं में बह जाए, ठीक है। तो इस तरह से, तो एक तो रियलिज्म की बात हो गई, दूसरा एपिक थिएटर की बात हो गई, एलिनिएशन की बात हो गई, और तीसरी तरफ हमारे यहाँ क्लासिकल नाटकों की बात होती है, जिसके लिए भरत मुनि का मैंने जिक्र किया, जिसमें आंगिक वाचिक सात्विक और आहार्य की बात आती है, और इसके थ्रू जिसमें रियलिज्म भी है, जिसमें तमाम मेथड भी है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर आज अभिनय की हम बात करते हैं तो आधारभूत इन्हीं चीज़ों के ऊपर, उसके बाद तो फिर माइम भी है, पेंटोमाइम है, और तमाम अध्याय एकल अभिनय है, मोनोलॉग्स हैं, तमाम शैलियां और हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो थिएटर है वो कमोबेश इन्हीं सब चीज़ों, और इससे पहले शेक्सपियरियन थिएटर था, जो स्टैम्पेड मेथड कहलाता था, कि डायरेक्टर जो होता था, जो पारसी रंगमंच में काफ़ी उसका प्रभाव देखने को मिला, कि डायरेक्टर जो भी होता था वो पहले करके हर करेक्टर को दिखाता था और फिर वो एक्टर उसको उसी तरीके से इमिटेट करता है। बहुत मेलोड्रामेटिक, लंबे लंबे संवाद बोलना, गा करके बोलना, क्योंकि ऑडियंस हजारों की होती थी, मैं चला जाऊंगा तुझे देख लूंगा, इस तरह से जो संवाद अदायगी होती थी, तो मेलो वो स्टैम्पेड मेथड था, वो उस समय के बाद चला गया। 1963 के दौर की जब बात थी तो उसमें एक मोबाइल थिएटर का चलन चला था, उसमें टीम जाती थी, टेंट लेके, चेयर्स लेके रोड में रखते थे, परफॉर्म करते थे, फिर आगे जाते थे, फिर दूसरे के चेयर्स लगाते थे, ऑडियंस आती। वो मोबाइल नहीं, वो बेसिकली थोड़ा नुक्कड़ नाटक टाइप की चीज़ थी, वो अलग तरीके का बिल्कुल हो जाता है। वो हम लोग उसे अपनी विधा में एरिना थिएटर कहते हैं, कि चारों तरफ ऑडियंस हो और बीच में हम एक, तो वो नुक्कड़ शेप ले ली और
डायरेक्ट मैसेज किसी भी चीज का। मोबाइल थिएटर का प्रचलन आज भी है, अगर आप उस समय में टूरिंग थिएटर होता था आसाम में जाएं, या एक तरह से जो हमारा पारसी था, ये भी ये पूरा तंबू कना जैसे सर्कस चलता है इस तरह से लेकर के जाते थे, अपना डेरा डालते थे, महीनों नाटक टिकट पे दिखाते थे और उसके बाद फिर वो किसी दूसरे शहर की तरफ बढ़ जाते थे। आज भी इसकी परंपरा है कलकत्ता में, आसाम में, बंगाल में, तमाम जगह इस तरह के मोबाइल थिएटर आज भी हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो उनके एक्टर एक एक साल के लिए अनुबंधित होते हैं और उन्हें लाखों में सैलरी मिलती है, तो वो आज भी चल रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, इसको इस रंगमंच से जोड़ने के लिए क्या नया किया जा सकता है जिससे कि एक इंटरेस्ट पैदा हो, एक चिंगारी दी जाए ताकि इसमें भी स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बना सकें। सही बात है, मनोरंजन की चीज़ों को देखना चाहिए, थिएटर को देखना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि वैसे तो कहिए किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं कुछ बना सकते हैं, ये रुझान तो अंदर से पैदा होता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, चाहे भूगोल का हो, तो एक तो अंदर की स्वेच्छा होनी चाहिए, उसके बाद उसको अच्छा थिएटर देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और उसके अंदर की बारीकियों को, जैसे आप पहले समुंदर बना था तो किसी को नहीं मालूम था कि इसमें मोती मिलेगा, पन्ना मिलेगा, क्या मिलेगा, तो उस आदमी की अगर चाहे तो वो थिएटर में घुसे और उसकी बारूकियों को खोद करके खुद लाना जब शुरू करेगा तो चार लोग और जुड़ेंगे, तो चार लोग और जुड़ेंगे कि अरे भाई उसने ये चीज़ निकाली, भाई जो भी विद्वान पैदा हुए इस फील्ड में उन्होंने एक एक चीज़ निकाली होगी तभी तो ये चीज़ इतनी बड़ी हुई, तो इस तरह से जब करेंगे तो अपने आप बढ़ेंगी चीज़ें। यूथ के लिए जैसा आपने कहा, छोटी सी बात और कहना चाहूँगी मैं बात ख़त्म करने से पहले, कि पहली बात जैसा कि चंद्रमोहन बोले थे कि रुझान, जाहिर सी बात है कि अगर आपका मैथ्स में रुझान है तो आप मैथ्स में जाएंगे, लेकिन अगर इस विधा में कोई आना चाहता है और तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है जो मैं आज बहुत देखती हूँ अपने इंस्टीट्यूशन में भी देखती हूँ इंस्टीट्यूशन में भी, कि पहली बात है कि हम लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी। अब आप कहेंगे पढ़ते तो हम सभी हैं, हर चीज़ हमारा नेट पे मौजूद है, हमने कट 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 किया और तुरंत वहाँ पे गूगल में गए और गूगल बाबा ने आपको सारी चीज़ें दे दी हैं, लेकिन जो पढ़ाई जो विजन देती थी, अगर आप पुराने समय में याद कीजिए, मेरी नानी मुझे कहानी सुनाती थी तो वो बताती थी एक शहजादा है वो घोड़े पर चढ़ के दौड़ता जा रहा, जादूगरनी मिली और उसने उसको घोड़े से बिल्कुल बत्तख बना दिया। अब मेरे दिमाग में उभरते थे वो घोड़ा कैसे जा रहा होगा, कैसे वो बत्तख में तब्दील होगा, इमेजिनेशन के हजारों आयाम थे। ठीक है, आज हमारे पास क्या है, इमेजिनेशन ब्लॉक हो गया है। एक पेपर पे काला बिंदु मैंने लगाकर अपने स्टूडेंट को दिया, हमने कहा बताओ ये क्या चीज़ है, एक वाइट पेपर पे एक डॉट, तो उसने कहा ये ब्लैक होल है, ये फलाना है, ये एक इंक का स्पॉट है, लेकिन वो अपने साइंस और अपने जो नेट पे जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं या इसके बाहर वो नहीं जा पाए। जब मैंने एक आम बच्चे से पूछा जो बिल्कुल इन चीज़ों से अछूता था, तो उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, उसने कहा ये एक गोरी के गोरे गाल पे तिल है। सच अ मार्वलस थिंग, ऐसा इमेजिनेशन। आज बड़े बजाय आप नीरज जी की बात करते हैं या पुराने शायरों की, कैफी आजमी की बात करते हैं या शबाना जी की बात करते हैं, ये उस दौर के लोग हैं जिन्होंने अपने इमेजिनेशन को अपनी पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक डेवलप किया। अब क्या हो रहा है, इमेजिनेशन तो है लेकिन हर बच्चा एक ही चीज़ बताएगा क्योंकि वो एक ही चीज़ देख रहा है, आपका इमेजिनेशन उनके इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग रंगमंच पर आना चाहते हैं वो वाकई ज़िंदगी को पढ़ना सीखें, ज़िंदगी के अनुभवों को देखना सीखें और तब वो जो चीज़ लाएंगे वो बिल्कुल अनूठी और नई होगी। क्यों आज के युवा देखे गैंग ऑफ वासेपुर या तमाम फिल्में बन रही हैं छोटे छोटे विषय पे, क्योंकि वो थीम ऐसी उठा करके ला रहे हैं, बिल्कुल नहीं ला रहे कि किसी चीज़ से मैच नहीं करती और बिल्कुल यूनिक होती है, क्योंकि वो लगातार सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जीवन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है जीवन को पढ़िए, जीवन के दर्शन को पढ़िए, जीवन के रंग को पढ़िए, तो आप बहुत कुछ नया करके आएंगे। रंगमंच में आने वाले स्टूडेंट के लिए मेरी ये बात मैं कहना चाहूँगी और बाकी तो टेक्निक आपको सारी चीज़ें सिखाती है। तो ये थी राय चंद्रमोहन जी और चित्रा मोहन जी, इन्होंने नाटक के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नाटक का इतिहास बहुत पुराना है और हमें इसकी महत्ता को बरकरार रखने के लिए कई प्रयास करने चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू रविंशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी बातें की। थैंक यू सो मच।